exercise 10.4 question number 3 is if two equal chords of circle intersects within the circle if two equal chords of circle intersect within the circle like this like the same as it was previous prove that the line joining the point of intersection the line joining the point of intersection to the center अगर आप इंटरसेक्शन के पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देते हो देन दैट लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द दिस लाइन से ए बी एंड सी डी आर टू कोट ऑफ सर्कल राइट एंड इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट इज जी देन ओ जी इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल

And it's making angle 1, 2 with the line segment joining center of the circle and intersection point 1 and 2 angle. Then you are to prove that angle 1 is equal to angle 2. How to prove this? Again, we'll take your perpendiculars. OP is the perpendicular on AB, and take OM. Is the perpendicular on CD. Now we'll consider the triangles OPG and OMG and we'll prove these two triangles are congruent. See what we have given here OG is equal to OG, common, OP is equal to OM. Because the codes are equal, then we know that if codes are equal, then perpendicular distance are also equal. Perpendicular distance to equal chords are equal. That's why this, this will be equal. Okay, then. And angle 90 degree we have given. Say this angle 3, this angle 4. Then angle 3 is equal to angle 4, each 90 degree. Then by RHS we can say. OPJ is congruent to OMG by RHS and then by CPCT we can say angle one is equal to angle two by CPCT. Next question question number four is if a line intersect two concentric circles.

क्ल टू सी डी राइट सो सेम हिल टेक द पर्पेंडिकुलर जैसे हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं पर्पेंडिकुलर टेक ओपी पपेंडिकुलर ऑन एडी ठीक है एडी ले लीजिए चाहे बीसी ले लीजिए दोनों के लिए पर्पेंडिकुलर है ठीक है इट्स पर्पेंडिकुलर ऑन बी सी ऑल्सो एंड एडी ऑल्सो यू कैन मेन्शन यो ठीक है देन अगेन विल यूज द सेम कंसेप्ट दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है सो so, आप यहां से क्या कह सकते हो अगर आप एडी ऑल्सो यू कैन से हियर इज परपेंडिकुलर ऑन एडी दिस इंप्लाइज एपी इज इक्वल टू डी पी अगर ओपी परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये कोड को बाइसेक्ट करेगा सर्कल की ये सर्कल की कोड है इट विल बी बाइसेकटेड एपी इज इक्वल टू डी पी सिमिलरली पी इज पडिकुलर ऑन बी सी ऑल्सो दिपलाइज बीपी इज इक्वल टू सी पी राइट दिस इज वन

Sixth question is here a circular park of radius 20 meter is situated in a colony a circular park of radius 20 meter is situated in a colony of radius 20 meter three boys ankur sayed and david are sitting at equal distance on its boundary each having a toy telephone in his hands to talk Each other, there are three boys Ankur, Sayyed, and David. Because they are on same distance, so we'll take it like this. agar unka distance different hai ya fir hum sure nahi hote hain to hum ek minor segment में ले लेते हैं. लेकिन जब हमें equal distance given है, तो यहाँ पे ये हम proper पूरे circle पे equal distance पे three points ले le लेंगे. For Ankur, Sayyed, and डेविड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच टेलीफोन दे आर हैविंग टॉय टेलीफोन विद इन देर हैंड्स और आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है उनके हैंड स्ट्रिंग्स की सो दैट मीन आपको फाइंड आउट करना है ए बी ए एस एस डी एंड डी ए राइट यू आर टू फाइंड आउट दीज थ्री साइड ठीक है एंड डेफिनेटली आर गिवन इक्वल क्योंकि तीनों के हाथ में से मतलब ए एस ए डी और एस डी डिस्टेंस सेम है इनके हाथ में टॉय टेलीफोन है तो आपको उनकी स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है तो डेफिनेटली जितने डिस्टेंस पे वो बैठे हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ भी उतनी ही होगी तो हियर यू हैव टू फाइंड आउट

तो डेफिनेटली इट विल बी मीडियम ऑल्सो एंडिकुलर ऑल्सो एंडलीस देंटर ऑल्सो क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो हमने थ्योरम किया है कि सेंटर से पास होता है पर पेंडिकुलर और हमें पता है वर्टेक्स अगर आप कर देते हो, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है तो ए एम यहाँ पर एल्टीट्यूड भी हो गया मीडियन भी हो गया राइट right? और डेफिनेटली वो सेंटर से भी पास करेगा क्योंकि हमने इसे थ्योरम किया कि जो पपेंडिकुलर होते हैं वो सेंटर से पास करते हैं कोड के और बाइसे भी करते हैं कोड को तो डेफिनेटली इट विल बी पास थ्रू द सेंटर आल्सो राइट आफ्टर दिस विल यूज द कंसेप्ट लेट्स रिपीट इट अगेन फर्स्ट इट्स गिवन अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी

इक्वल डिस्टेंस में अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपको इक्विलेटर मिलेगी राइट right? और रेडियस अगर, तो अगर आप एल्टीट्यूड ले लें ले, या आप यहाँ से मीडियन ले लें ठीक है तो अगर आप सेंटर से पास करता है एल्टीट्यूड अगर आप एल्टीट्यूड लेते हैं तो डेफिनेटली वो मीडियन भी होगी ठीक है बिकॉज वी नो दैट इन इक्विलेटर ट्राइंगल एल्टीट्यूड एंड मीडियल क्योंकि दोनों साइड इक्वल होते हैं इधर भी दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो एल्टीट्यूड बिल्कुल मिडल में आता है इसके और वह सेंटर से तो पास करता ही है तो ये आपके पास एल्टीट्यूड हो गया अब यहाँ पर हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि दो तो जो अगर आप सेंटर लेते हो सर्कल में सर्कल के सेंटर से सॉरी सर्कल का सेंटर और ट्राइंगल का सेंटर सेम हो अगर आप ट्राइंगल का भी सेंटर लेते हो एंड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ट्राइंगल इज सेम क्योंकि ये सेंटर ट्राइंगल का भी है डेफिनेटली बिल्कुल बीच में ही आएगा जहां पे तीनों एल्टीट्यूड मीट करेंगे ठीक है तो दिस सेंटर इज ऑफ द सर्कल ऑल्सो एंड ट्राइंगल ऑल्सो इक्विलेटरल देन वी हैव रिजल्ट हियर कि जो सेंटर है जहां पर ट्राइंगल्स के तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं उनको सेंट्रोइड भी बोलते हैं ट्राइंगल के लिए तो दोनों का सेम एक तरह का सेंटर ही है दोनों के लिए सेम हो गया सर्कल भी और ट्राइंगल के लिए भी तो जो सेंटर है वो एल्टीट्यूड को टू इज वन में डिवाइड करता है सेंटर ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड द एल्टीट्यूड इन टू रेशियो वन मतलब टू रेशियो वन यू कैन से Here. Here, ratio, ratio, रिजल्टी है जो सेंट्रॉयड होता है जहां पे सभी एल्टीट्यूड मीट करते हैं क्योंकि तो इक्विलेटल ट्राइंगल है डेफिनेटली यही सेंटर आपके पास आएगा इक्वल डिस्टेंस पे है और जो ये सेंटर होता है ट्राइंगल का फोर ट्राइंगल को के एल्टीट्यूड को टू रेशियो वन में डिवाइड करता है तो so डेफिनेटली अगर ओ ए ट्वेंटी है तो ओ एम कितनी हो जाएगी टेन मीटर राइट दिस इंप्लाइज हाइट और यू कैन से एल्टीट्यूड इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी मीटर राइट सो वी हैव फाउंड अपट नीटर नाउस रिपीट इनिकुलेटर ट्राइंगल जो आपके पास ये सेंटर है दिस इज देंटर ऑफ द सर्कल ऑल्सो एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ऑल्सो जहां पे एल्टीट्यूड मीट करेंगे सो so जो ये सेंटर है दैट डिवाइड जो सेंट्रॉइड होता है वो ट्राइंगल को टू रेशियो में डिवाइड करता है सो डेफिनेटली अगर ऊपर हमें रेडियस पता है सेंटर से लेके ए तक का जो आपके पास डिस्टेंस है वो टू एल ट्वेंटी है सॉरी और ओ एम ओ एम इज द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द एल्टीट ठीक है तो ऊपर वाला अगर टू है तो नीचे वाला वन है दैट मीन अगर वो ट्वेंटी है तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा टेन मीटर और हाइट आपके पास कितनी हो जाएगी टोटल हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज थर्टी मीटर हियर सो इन अदर वर्ड्स यू मे से कि जो सेंटर पॉइंट है वो उसमें जो ऊपर अपर पार्ट होता है एल्टीट्यूड का वो डबल होता है लोअर पार्ट ऑफ एल्टीट्यूड से ठीक है सेंटर से ऊपर वाला पार्ट डबल होता है सेंटर के नीचे वाले से दिस इज द रिजल्ट वी हैव यूज्ड हियर इस रिजल्ट को यूज करके अब हम क्वेश्चन करते हैं अब हमारे पास हाइट आ गई 30 मीटर हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 30 मीटर जब आपने चैप्टर 12 किया था हिरोन्स फॉर्मूला उसमें आपने हाइट का फार्मूला किया था राइट right? सो so, क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन टू वे अब हमारे पास हाइट आ चुकी है इसकी इक्विलेटर ट्राइंगल की तो एक मैथड तो यह डायरेक्टली हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करके हाइट इज गिवन हेयर इज गिवन हेयर थर्टी मीटर हाइट हमारे पास इक्विलेटर ट्राइंगल की होती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रूट थ्री टू इन टू साइड इंटू ए एक्वल टू थर्टी राइट तो ए यहाँ से वैल्यू निकाल लो साइड की थर्टी मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाय रूट थ्री दैट इज सिक्सटी डिवाइड बाय रूट थ्री अब नीचे रूट है हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इट विल बी सिक्सटी रूट थ्री अपॉन थ्री दैट इज ट्वेंटी रूट थ्री

आप हाइपो सॉरी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कर